प्रमोद प्रेमी नहीं बोलिए, फिर से बोल रहे हैं उसको प्रमोद पापी बोलिए, प्रमोद का नाम बदनाम मत कीजिए। काम करना कोई गलत चीज नहीं है, कोई जॉब करता है कंपनी में, कोई दाई नौकर का काम करता है, घर में काम करता है, कोई सड़क पे झाड़ू मारता है, तो काम करना गलत नहीं है। महिला पूरी गलती है, अरे महिला तो बेशरम है, उस महिला को ऐसा पैसा का ऐसा पैसा क्या होगा जी। महिला विकास मंच तो आवाज ही नहीं उठा सकती है, बाकी एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं शर्म लगता है। सही, बिल्कुल गलत है एकदम, मतलब गलत जो बहुत बड़ा गलत और ऐसा गलत है एकदम गलत है। सही कहीं है, लड़की खुद ऑर्केस्ट्रा डांसर थी। देखिए वो लड़की बेशरम है, लड़की के नाम पे कलंक है, जैसे आप भी लड़की हैं और भी लड़की, हम भी लड़की औरत हैं, तो उस नाम पे कलंक है। एक लड़की को अगर कोई आदमी उसको कहता है कि मतलब इतना गंदा, हम नहीं बोल सकते हैं, इतना गंदा तरीके से प्रणाम करता है, प्रणाम का मतलब भगवान, प्रणाम का सलाम का मतलब खुदा, प्रणाम का मतलब भगवान, और वो भगवान का नाम को भी खराब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की खराब करवा रही है। दूसरी लड़की होती तो चप्पल निकालती चप्पलिया देती, और एक नहीं थी वहां पे, चार पांच थी ना जी, कभी उसके पास जा रहा है कभी उसके पास जा रहा है, बंदरवा कैसे होता है, कूद के वहां नारियल खाता है, कूद के वहां खाता है, खा रहा था ना। तो कहीं ना कहीं लड़की लूज पड़ती है, तो लड़के जो प्रमोद प्रेमी नहीं कहेंगे, क्या है उसको, प्रमोद नहीं प्रमोद पापी कहेंगे, प्रमोद पापी, पापी वो पापी जो है, एक महिला को शर्म नहीं लग रहा था कि उसके, जिस महिला का तन मन से पैदा होता है, जो महिला उसको जन्म देती है, उस महिला को किस हिसाब से भगवान को प्रणाम करता है आदमी, और उसके मतलब हम नहीं कह सकते हैं, बहुत मतलब शर्म लग रहा है, उस चीज का नाम नहीं ले सकते। महिला की भी तो गलती है, महिला पूरी गलती है, अरे महिला तो बेशरम है, उस महिला को ऐसा पैसा का ऐसा पैसा क्या होगा जी, कि जो पैसा के लिए आप मतलब अपने तन को मतलब वहां पे रुमाए क्या बोलते हैं पर्दे प्रदर्शनी कर रहे थे, बेच रहे थे, और एक नहीं थी चार पांच वहां पे थी, कभी वहां कूद के जाता है कभी वहां कूद के जाता है, और उन लोग महिला लोग को अच्छा लगता है, मजा आ रहा था उन लोगों को, तो मजा नहीं आया था, वो बेशरम है, उनको शर्म नहीं है। तो कैसे रोक लगाएंगे आप लोग बताइए, ये सब जो चल रहा है समाज में, कहीं ना कहीं हमारे घर के भी लोग देखते है, लेडीज भी वहां पे बहुत थी, प्रोग्राम देखने गई हुई थी, तो कैसे रोक लगाएंगे आप लोग। तो आपको बता रहे हैं कि वो जो शो होता है और कहीं प्रोग्राम होता है, तो उसमें बहुत प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया होता है कि उसका चलान कटता है, उसको थाना में इन्फॉर्म किया जाता है, उसको डीएम से सब कुछ करके उसके बाद उसको उसको दिया जाता है, और उसके बाद उसको उल्लंघन किया है तो प्रशासन को देखने का काम है। ये हमारे जो राजनेता बैठे हुए हैं, जो हमारे जो विभाग में है, उनको देखने का काम है, वो उस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। महिला विकास मंच तो आवाज़ ही नहीं उठा सकती है, बाकी एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं शर्म लगता है कि हमारा बिहार कहाँ जा रहा है, ये भोजपुरी का कहीं ना कहीं, जैसे भोजपुरी को लोग खराब कहते हैं, और ये तो मतलब इस तरह का अगर हरकत होगा तो एकदम इसको क्या मानिएगा। इस मामले के बाद प्रमोद प्रेमी के लिए क्या इज्जत रह जाएगी, महिलाओं के लिए प्रमोद प्रेमी के ऊपर क्या इज्जत रह जाएगी, कैसे देखते हैं? प्रमोद प्रेमी नहीं बोलिए, फिर से बोल रहे हैं उसको प्रमोद पापी बोलिए, प्रमोद का नाम बदनाम मत कीजिए, वो पापी है। अगर अच्छा होता तो पैसा कमाने का ये रास्ता नहीं है कि किसी भगवान के मतलब आदमी प्रणाम करता है तो भगवान को करता है, और वो प्रणाम इस चीज़ को कर रहा है कि जो आप उस आप समझ सकते हैं, एक पुरुष हैं, और ऐसा आपको खराब नहीं लगे कि हम पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, अगर महिला गलत करती है तो महिला के बारे में बोलते हैं, और महिला कैसी बेशरम थी, उसको पैसा कमाने के लिए और जगह नहीं मिला था क्या? ये लोग खुलेआम आके पर्दे पे करते हैं, जो कि हमारे बच्चे भी देखते हैं, मोबाइल पे भी आ जाता है, एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। देखिए समाज कहीं ना कहीं हमारा धूमिल हो रहा है इसे, और ये मैं सोशल मीडिया पर तो चलता है, मोबाइल खोलिएगा धराधर चलाता है, वही सब आता है, बनिया चीज आता है लोग तो उसको भगा देता है, उस सबको लोग मतलब बार 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 रिपीट कर देखता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो लोग दिखाता है, ये भी तो है। ऐसे सिंगर को क्या बोलिएगा, तिजोरी समझते हैं, देखिए महिलाएं खुला तिजोरी बनती है तब तो सिंगर खुला तिजोरी समझते हैं ना, जब महिलाएं टाइट रहेंगी। मैं ये नहीं कहूंगी, फाइमा जी की बात को थोड़ा सा मैं काटूंगी इस जगह पे,
वो लेडी ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। काम करना कोई गलत चीज नहीं है, कोई जॉब करता है कंपनी में, कोई दाई नौकर का काम करता है, घर में काम करता है, कोई सड़क पे झाड़ू मारता है, तो काम करना गलत नहीं है। गलत उस जगह पे है कि वो औरत वहां पे लूज है। अगर वो बंदे ने उसको छुआ था तो उसको चट से उसको वहीं पे मारती, उसकी दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती। हम खुद प्रोवोक करते हैं लोगों को कि आप हमारे पास आइए और हमारे साथ इस तरीके की हरकत करिए। अगर वो खुद टाइट होती तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको कोई आके छू देगा। हम लोग भी वर्क करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, किसी को हिम्मत नहीं आगे लाके देखने की। नहीं नहीं, महिला भी तो बार बार कूद कूद के जा रही थी। एक बार जब उन्होंने प्रणाम किया गंदा तरीका से, तो महिला को जवाब देना चाहिए ना। वहाँ उठा के उनको उनको कस के धक्का दे देती, वो गिर जाते वहीं पे। मैम, एक लड़की थी उसको पैसा मिला हुआ था उसके लिए, लेकिन प्रमोद प्रेमी एक जाने माने सिंगर है, कहीं ना कहीं उनको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। नहीं तो उनको कहीं ना कहीं अगर उनको छोड़ दिया जाता है, गरिमा की बात है, जहाँ जहाँ तक हमारी बात है कि अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो आज वो 3 महिला साथ किए हैं, कल 300 के साथ करेंगे, परसों 3 लाख के साथ करेंगे, उनकी आदत बन जाएगी, उसके यहाँ रोक लगना चाहिए। उस चीज़ को खुले मंच पे अभी ऐसा काम किया था, पर्दे के पीछे क्या क्या होता होगा। सही में भाई, अब तो भोजपुरी पे लग रहा है कि पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ होता होगा। इंडस्ट्री में आके चल क्या रहा है कि जो बातें भोजपुरी के बारे में कही जाती थी पहले की गंगी परोसी जाती थी, वो सच साबित हो रही है, सामने आ रहा है, वो तो देखने के लिए मिल रहा है। एक भाई सच जो है कभी छिपता नहीं है, छप्पर चढ़ के बोलता है कि हम सच हैं, और झूठ भी कभी छिपता नहीं है। लेकिन भोजपुरी को बदनाम करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। गंदगी चारों तरफ, आप नजर उठाइए चारों तरफ आपको मिलेगी। तो ये कहना गलत है कि भोजपुरी में ही सिर्फ होता है, ऐसा नहीं है, सब जगह का यही। आज की डेट में जो मोबाइल पे चल रहा है ना, वो भौजी ये अदीस अदैट, हमारे बच्चे देख रहे हैं तो उनपे क्या ये नहीं लगता कि औरत ही गंदगी फैला रही है, औरत ही जिम्मेदार है सब सारे मामले का? नहीं, औरत एक तरफ कुछ होता है, औरत भी जिम्मेदार है, प्लस मर्द भी जिम्मेदार है उस चीज को। एक हाथ से ताली नहीं बजता है। वो जो आप बोल रहे हैं कि औरत बेशरम हो जा रही है, तो बेशरम बनाने वाला कौन है? पुरुष है ना जी। अरे बेशरम बनाने वाला कौन है? अगर वो शुरुआत नहीं करता, महिला को तो क्या बड़े शुरू तो किया ना, शुरू चप्पल मारते तो नहीं, शुरू नहीं, जैसे नहीं जैसे शुरू किया था तो उसको चाल चप्पल मारना चाहिए वहीं पर। नहीं मारी, गलती उसकी है, महिला साथ दी ना, तो महिला साथ दे दी तो दोनों गलत है। यहाँ पर दोनों गलत है। आजकल छोटे छोटे बच्चे इसको देखते हैं, फिर वो स्टेज पे जाके ऐसा ही काम करते हैं, तो बच्चे जो देखेंगे वही ना सीखेंगे। पहले हम लोग क्या सीखे? हम लोग पूजा पाठ करना, आरती। आज के बच्चों को बोले ना, एगो माता रानी का कोई आरती सुना दे, तो अब भोजपुरी में बोली लगावे लू जब लिपस्टिक तुरंत गा देगा सब बच्चा सब। आज तो हर सरस्वती पूजा चल रहा है, हर एक जगह ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। मैम, प्रमोद प्रेमी को आप कैसा सिंगर मानती हैं? भैया घटिया घटिया घटिया, बिल्कुल ही घटिया। उसको कहेंगे कि पहले जाओ अपनी माँ से जब सीख लो कि माता आपको माता क्या होती है, कैसे पूजा, कहाँ पर पूजा होता है, वो पूजा उसको अर्थ नहीं पता है। जो औरत की इज्जत औरत की इज्जत नहीं करता है उसको नहीं मानते हैं, और उसका बहिष्कार होना चाहिए। अगर इस नहीं होगा तो इस पर हम लोग आवाज उठाएंगे, और इस तरह का अश्लीलता फैलाएगा लोग तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। महिला विकास मंच अब इसी पे काम करेगी। बड़े बड़े स्टार इस तरह का काम करते हैं तो भोजपुरी भाषा पे क्या असर पड़ेगा? तो आप लोग लाइए ना, उनको खोज खोज के करते हैं तो उनको लाइए, हम लोग पूछते हैं। ऐसे पीछे पर्दा के पीछे तो बहुत कुछ होता है, सामने लाइए, उनको खड़ा कीजिए। अगर आप सामने अभी लाए तो हम बोल रहे हैं ना जी, आप किसी और को लाइए, बताते हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रमोद प्रेमी ने सिर्फ एक लड़की को बेपर्दा नहीं किया है, तमाम लड़कियों को किया, और उनको माफी मांगना चाहिए? माफी मांगने का एकदम उनको राइट है, माफी मांगे और वो अपनी गलती को स्वीकार करें कि अंदर हमसे ऐसा नहीं होगा। और अगर इस तरह का मंच पे होता है तो उस महिला को भी कह रहे हैं कि तुम बेशरम लोग डूब के मर जाओ, तुम लोग के चलते और भी महिला जो है बदनाम हो रही है, शर्मसार हो रही है, और कहीं ना कहीं खुद में शर्म हो रहा है, लग रहा है कि हम भी महिला है। मतलब उसको पैसा कमाने का ऐसा क्या चूल पड़ गया भैया कि किसी चीज को प्रणाम करवा लोगी? अरे क्या बोला जाए, मतलब उस महिला को कह रहे हैं कि हद हो गई। अच्छी